दिल्ली के एलजी महोदय ने 1100 पेड़ काटने की गैर कानूनी रूप से परमिशन दी। दिल्ली के पेड़ हैं, हमारे फेफड़े हैं ये। 1100 पेड़ काटने की परमिशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। हम चाहते हैं कि दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़े, जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण कम हो। इन लोगों को, अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 1100 पेड़ काटे गए। भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत अपने चुनिंदा दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए 1100 पेड़ काटने का निर्देश दे रही है। कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ये कोर्ट ने लिखा है। षड्यंत्र के तहत उनको जेल में रखा गया है। अरे भाजपा ही तो बेवकूफ है ना, तो CBI से गिरफ्तार करवा लिया। तो ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र है, कोई सबूत नहीं है। नेशनल दर्शक, आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अब्रारुल रहमानी। आम आदमी पार्टी जो है पेड़ों के काटे जाने से सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी का कार्यालय। मेरे साथ रीना गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या मांग है आप लोगों की, किन बातों को लेकर क्या प्रदर्शन? देखिए, दिल्ली में दिल्ली के LG महोदय ने 1100 पेड़ काटने की गैर कानूनी रूप से परमिशन दी। आज उसके खिलाफ हमने एक ह्यूमन चेन बना के प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में एक छोटा सा पेड़ काटने के लिए भी आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। 1100 पेड़ काटने की परमिशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। LG महोदय की लगातार फटकार लगाई जा रही है कि कैसे ये 1100 पेड़ लगाए गए। आज हमारी ये मांग है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि उस एरिया में किन लोगों की ज़मीनें हैं, किन लोगों के फार्म हाउसेस हैं, किन लोगों को, अमीर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 1100 पेड़ काटे गए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हर साल 50-60 लाख पेड़ों का प्लांटेशन करती है। हम चाहते हैं कि दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़े, जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण कम हो। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत अपने चुनिंदा दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 1100 पेड़ काटने का जो है निर्देश दे रही है, उसके खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन है। पर इसको लेकर के जो तर्क दिए जा रहे हैं भाजपा के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग खींच निकाल रहे हैं, चूंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में बंद है, इसलिए आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, जानबूझ करके बढ़ा रहे हैं। हम तो मुद्दा बना नहीं रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये मुद्दा बाहर निकला। रोज सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ रही है, मुद्दा तो वहाँ से शुरू हुआ। और दिल्ली के पेड़ हैं, हमारे फेफड़े हैं ये। दिल्ली में जो बच्चे हैं, जो माएँ हैं, हर साल सर्दी के मौसम में हमें पता है कि हमारे बच्चों की एयर पोल्यूशन के कारण तबीयत खराब होती है। तो दिल्ली के 1100 पेड़, जिनको बड़ा होने में सालों साल लग जाते हैं, पुराने एकदम बढ़िया बढ़िया पेड़ आपने काट दिए, तो ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। यह आरोप जो है आपका कि कुछ जो है चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये काम किया जा रहा है LG की तरफ से, तो हमारी तो मांग ये है कि आप वहाँ पे देखिए, सड़क को इन्होंने चौड़ा किया। सड़क के एक तरफ फार्म हाउसेस थे, एक तरफ जंगल था, तो आपने जंगल की तरफ क्यों चौड़ा किया सड़क को? कहीं ना कहीं वहाँ और लोगों ने जाके ज़मीनें खरीदी और वो चौड़ी सड़क चाहते थे, इस वजह से आपने पेड़ों की बलि चढ़ा दी कुछ चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो उसकी तहकीकात, तो ये डेटा पब्लिक डोमेन में आए कि किसकी ज़मीनें हैं उस सड़क पर। एक सवाल शराब आपका नीति से रहेगा, अरविंद केजरीवाल जी जेल में बंद है, लगातार सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या लगता है आप लोगों को अभी तक जो सबूत रखे गए उसके बिना पर क्या उनको छूट मिलने वाली, राहत मिली? उनको ऑलरेडी राहत मिल चुकी है, उनको लोअर कोर्ट से राहत मिल चुकी है, उनको हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है। 2 साल से ये लोग शराब घोटाला कर रहे हैं, आज तक एक चवन्नी की इनकी रिकवरी नहीं हुई, एक सबूत नहीं ये पेश कर पाए। खुद कोर्ट ने, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कोर्ट ने लिखा है कि ED जो है ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही है। कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ये कोर्ट ने लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कोर्ट ने बोला है ये सब। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि षड्यंत्र के तहत उनको जेल में रखा गया है। उनका शुगर लेवल इस समय लो चल रहा है, 50 से नीचे कई बार जा चुका है उनकी। इस समय जब शुगर लेवल इतना नीचे चला जाता है तो इंसान कोमा में भी जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करे जा रही है। वो दिल्ली में हरा नहीं सकते चुनाव में, तो इस तरह से षड्यंत्र करके उनको मारने की कोशिश कर। भाजपा ही कह रहे हैं कि आप निर्दोष साबित करने के लिए कोर्ट में सबूत नहीं जो है प्रस्तुत कर पाए। अरे भाजपा ही तो बेवकूफ़ है ना, वो पहले कानून तो समझें। इस कानून में जो है ED को सबूत पेश करना पड़ता है, ED को बताना होता है कि क्या उनके खिलाफ सबूत है। जब ED कुछ पेश ही नहीं कर पाई, तो उन्होंने, उनको पता था कि बेल होने वाली है,
तो सीबीआई से गिरफ्तार करवा लिया। तो ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र है, कोई सबूत नहीं है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम सवाल है दर्शकों इस समय, जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है पेड़ काटने जाने को लेकर के ज़ोरदार प्रदर्शन कर रही है, तमाम जो है कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सड़कों पर जो है लगातार नारेबाजी कर रहे थे, अभी अंदर की ओर चले गए। लेकिन ये बड़ी बात है कि आखिरकार जो है आम आदमी पार्टी की जो बड़े शीर्ष स्तर के नेता हैं जो जेल में है, लगभग अगर उन चेहरों की हम बात करें, चाहे मनीष सिसोदिया हों, अरविंद केजरीवाल हों, संजय सिंह भी थे बाद में उन्हें ज़मानत मिली, और जो है सत्येंद्र जैन, तो ये तमाम ऐसे चेहरों की फहरिस्त है जिसको आप गिनवा सकते हैं। और इन्होंने भी, रीना गुप्ता जी ने भी यही बात कही कि एक तरीके का षड्यंत्र है, लेकिन अभी भी कोर्ट में सुनवाई है। इस सुनवाई में कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आता है, ज़मानत हालांकि मिली है लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आ पाए थे। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।